हेलो, मैं हूं अव्वल। कई बार आप किसी को कुछ बताते हो या कोई काम कहते हो, जैसे कि मम्मी को कहा कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, मुझे पढ़ाई करनी है। वेक मी अप एट 5, आई हैव टू स्टडी। आगे से मम्मी ने कहा, 10 मिनट तो तुम उठने में ही लगा देते हो, मैं तुम्हें 10 मिनट पहले ही उठा दूंगी। यू टेक 10 मिनट्स टू वेक अप, आई विल वेक यू अप 10 मिनट्स बिफोर। और तब आप कहते हो, नहीं, जैसे मैंने कहा मुझे 5 बजे ही उठाना। नो, लाइक आई सेड, वेक मी अप एट 5 ओनली। लाइक आई सेड इसका मतलब है जैसे मैंने कहा या जैसे कि मैंने कहा। ये वर्ड्स आप अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ या अपने ऑफिस में भी बोलते हो, जब आप अपनी बात को दोहराते हुए उस पर जोर देना चाहते हो। जैसे मैंने कहा, मुझे ये रिपोर्ट आज चाहिए। लाइक आई सेड, आई नीड दिस रिपोर्ट टुडे। जैसे कि मैंने कहा, मुझे ठंड नहीं लग रही है। लाइक आई सेड, आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड। इसी तरह ऑफिस मीटिंग में भी, जब आप कोई बात बोल चुके हो फिर भी कोई दोबारा पूछ ले, तो आप ये जता सकते हो कि आप वो बात पहले बोल चुके हो। जैसे कि मैंने कहा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ दाम भी कम करने होंगे। Like I said, we will also have to reduce the prices along with increasing the production. बात के मुताबिक आप जैसे मैंने कहा को सेंटेंस के बीच में भी ले जाते हो। मैं समझता हूं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, पर जैसे मैंने कहा इसे सीखना मुश्किल नहीं है। I understand that you don't know English, but like I said, it is not difficult to learn. इसी तरह से आप बोलते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मतलब अब से पहले भी कह चुका हूं और अब दोहरा रहा हूं। इसे इंग्लिश में कहेंगे लाइक आई हैव सेड बिफोर। जैसे मैंने पहले भी कहा है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लाइक आई हैव सेड बिफोर, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी येट। जैसे मैंने पहले भी कहा है, छुट्टी करोगे तो सैलरी कटेगी। लाइक आई हैव सेड बिफोर, इफ यू टेक अ लीव सैलरी विल बी डिडक्टेड। आप एक और बात बोलते हो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं। जब आप किसी ऐसी बात पर जोर डालते हो जो आप हमेशा कहते हो, कोई ऐसी बातें जिनमें आपको यकीन है, भरोसा है, या फिर आपकी आदत है और आप वो बोलते रहते हो, और साथ में आप कहते हो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं। इसे इंग्लिश में कहेंगे लाइक आई ऑलवेज से। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, मेहनत से ऊपर कुछ नहीं है। Like I always say, there is nothing above hard work. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। Like I always say, we will have to change our thinking. कई बार हम सुनी सुनाई बातों को इस तरह से बताते हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसा है, लोग कहते हैं कि इस जगह पर भूत रहते हैं। People say that this place is haunted. इसी मतलब से आप सिर्फ कहते हैं भी बोलते हो। कहते हैं कि ताजमहल बनाने में कई साल लग गए थे। They say that it took many years to build the ताज महल। ऐसे ही आप बोलते हो, कहा जाता है। कहा जाता है कि चेस खेलने से हमारा दिमाग तेज होता है। It is said that playing chess sharpens our brain. ये थी आज की इंग्लिश डोज। और अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, लाइक आई ऑलवेज से, मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।